5'7" हो चुकी है, जो कि कम्प्लीटली मेरी हाइट से भी काफ़ी ऊंचा ये हो। इसे नीचे कर देते हैं। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे एक नए प्रोडक्ट की, जो रिसेंटली मैंने बाय किया है अमेज़ोन के ऊपर से। और अगर आप एक इनिशियल यूट्यूबर है या फिर आप फोटोग्राफी करने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली आपको फिर एक ट्राईपोड की ज़रूरत होगी। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एक ऐसा ट्राईपोड जो आप 1500 से नीचे के प्राइस सेगमेंट पर खरीद सकते हो, और एक बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफी या फिर वीडियोज़ आप उस ट्राईपोड की हेल्प से शूट कर सकते हो। तो गाइज़, यह है डिजिटेक कंपनी का DTR550LW लाइट वेट ट्राईपोड, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देता है ट्राईपोड्स के अंदर, और वन ऑफ दी बेस्ट ट्राईपोड है अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में एक नया ट्राईपोड लेने का प्लान कर रहे हो। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर ये ट्राईपोड हमको प्रोवाइड करता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं डिजिटेक की ब्रांडिंग और DV ट्राईपोड है, DTR550LW ये मॉडल है। और कुछ स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो 5 किलो तक का वज़न आप इजीली ये ट्राईपोड कैरी कर लेगा। 5'5" इसका इजीली हाइट आप कर सकते हो। 615 mm तक का ये फोल्डेड हाइट, 615 मीटर का, आई डोंट नो ये क्या होता है, इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। बाकी कुछ फीचर्स ही आपको यहाँ पर बाहर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसे 3 तरीके से रोटेट कर सकते हैं, आप इसके पेन को 3 तरीके से घुमा सकते हैं। और जब यहाँ पर आपको स्टेबलाइज रबड़ का जो है लेग्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हुक देखने को मिलता है जहाँ आप अपनी एसेसरीज़ को बेसिकली कैरी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बबल हेड देखने को मिलता है, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप इसे इस तरह से रोटेट कर पाओगे। और अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो इस तरीके से आप मल्टीपल हेड DV को यहाँ पर कैमरास को एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्राईपोड को अनबॉक्सिंग करने के लिए। इस तरह का आपको यहाँ पर इसका एक कवर और केस देखने को मिलता है, जहाँ पर एक स्ट्रिप मिल जाती है, आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी लाइट वेट है, यहाँ से आप इस तरह को ट्राईपोड को कैरी कर सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कुछ फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है, DTR550LW जो कि मॉडल नंबर है, और काफ़ी अच्छी मेटल की क्वालिटी के साथ में ये आता है। और अगर बात करें कुछ बाकी स्पेसिफिकेशन की, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से आप एक्सपेंड कर पाएंगे। ये हुक दिया हुआ है एसेसरीज़ को यूज़ करने के लिए, जो अभी आपने देखा था। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसको यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, और इस तरह से देखिएगा आप मूव नहीं होगा, तो इस तरह से आप इसको लॉक कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो अगर बिल्ड क्वालिटी देखें तो यार मुझे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी है, और काफ़ी लाइट वेट भी है। और इसके अलावा बाकी स्पेक्स यहाँ पर आपको ये 2 लोग देखने को मिलते हैं, जिससे आप इसकी जो लेंथ है उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से इस तरीके से लॉक करते हो, तो बेसिकली नॉर्मल जो ट्राईपोड होते हैं वैसा ही ट्राईपोड है ये। बाकी यहाँ पर बस एक आपको एक प्रीमियम वाली क्वालिटी सी देखने को मिल जाती है, तो एक बार मैं इसे एक्सटेंड करके आपको बता देता हूँ। और अगर ऊपर हेड की बात करें, तो इस तरह से आपको ये एक रोटेशनल कैप मिलता है, जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर आप DSLR से अपने जो एंगल्स हैं उनको बना सकते हो ये। और हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो बटन मिलता है, इसको आप इस तरह से करके और इसकी जो हाइट है उसे बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये। तो ये यहाँ पर आपको एक हैंडल देखने को मिलता है, जिससे बेसिकली आप इसे अपने एंगल शूट करते समय मूव कर सकते हैं। ये 360 डिग्री तक आप इसे आराम से रोटेट कर पाएंगे। आप यहाँ पर अपने DSLR को अटैच कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये इस तरह का, ये इसका कम्प्लीट हाइट है, नेचुरल जो आपको मिलेगा बेसिकली इतना हाइट मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप अपना DSLR अटैच कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ये जो लॉक सिस्टम है, ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से आपको इस तरह से लॉक कर देना है, ताकि ये जो मूवमेंट है यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। और अगर आप इस पर ज़्यादा वजन कैरी करना चाहते हो, तो ये जो हुक दिया है, आप यहाँ पर कोई भी एसेसरीज़ को जो है हैंग आउट कर सकते हो, ताकि उससे इसको थोड़ा स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इसको बेनिफिट होगा। इसके अलावा इस हाइट को आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये जो हैंडल देखने को मिलता है, आप इस तरह से इसको जब राउंड करेंगे, तो आपको एक और हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसकी जो हाइट है वो प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि लगभग 6 फुट के करीब, आई थिंक
5'7" हो चुकी है, जो कि कम्प्लीटली मेरी हाइट से भी काफ़ी ऊंचा ये हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास में, सो इसे नीचे कर देते हैं। इसके अलावा गाइज ये यहाँ पर आपको हैंडल मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो आप इस तरह से अपने वीडियोज़ हैं उनको इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में शूट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ये जो रिंग दी जाएगी, यहाँ पर इसको राउंड करेंगे तो आप इसे 360 डिग्री के ऊपर जो है रोटेट कर सकते हैं, ईजिली रोटेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है, अगर आप इसे इस तरह से ओपन करते हैं, यहाँ से इस तरह से करते हैं, तो ये आपको आप यहाँ पर अपने पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर DSLR को अटैच करना है, तो यहाँ पर DSLR के नीचे एक जो स्क्रू का ऑप्शन आता है उसमें आपको कस देना है। मोबाइल अटैच करने के लिए आपको इस तरह से एक मोबाइल का जो क्लिप होगा वो आपको, ये जो क्लिप होगा जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे पास वो क्लिप अवेलेबल नहीं था, तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आपको इस तरह का एक क्लिप देखने को मिलेगा जिस क्लिप से आप इस तरह से यहाँ अटैच करके अपने DSLR में और इसे ईजिली यहाँ पर हैंग आउट करके अपने मोबाइल के थ्रू भी अपना वीडियो जो है शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बबल, आपने देखा होगा यहाँ पर आपको इस तरह का एक बबल आता है, तो इससे आप इसकी पोजीशन का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो ट्राइपॉड है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है या फिर नहीं। ये बबल की वजह से आप डिसाइड करते हो, अगर ये मिडल में होता है तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ट्राइपॉड किसी तरह से टेढ़ा नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। सो ये है ओवरऑल इस ट्राइपॉड का, जो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका मैं डिटेल और रिव्यू करूंगा, क्योंकि गाइज मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में इसमें कितने सारे फीचर्स अभी अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा यूज़ करूंगा, उसके बाद में इस ट्राइपॉड के थ्रू जो भी नए नए शॉट्स मैं कैप्चर करूंगा, काफ़ी सारे शॉट्स कैप्चर करूंगा, वो मैं आपको डेडिकेटली एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो उसके लिए वीडियो के साथ में बने रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस ट्राइपॉड का जो बेस्ट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसे खरीद सकते हो। और जो प्राइस होगी वो अभी ऊपर नीचे हो सकती है, प्राइस में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाए। तो अगर आपको एक ट्राइपॉड लेना ही है तो मैं कहूंगा कि यार एक अच्छा ट्राइपॉड लो, क्योंकि वैसे भी थोड़े टाइम बाद आपको जो नॉर्मल आप 200 से 400 रुपीस वाले जो ट्राइपॉड लेते हो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 ट्राइपॉड यूज़ किए हैं, ये पहला ट्राइपॉड है जो मैंने इतना महंगा ट्राइपॉड लिया, मेरे लिए 1500 रुपये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, आई होप आप लोगों के लिए भी करते होंगे। तो ये ट्राइपॉड आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। आई होप जैसा भी वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।